बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, फाइनली आज है हमारा आखिरी दिन इन लाहौर। संडे का दिन है और हम जा रहे हैं वापस पिंडी की तरफ। पर पिंडी की तरफ जाने से पहले सोचा कि क्यों ना लाहौर का कुछ देसी फूड टेस्ट कर लिया जाए। अच्छा, सो अभी हम मौजूद हैं रिंग रोड के एंट्रेंस पे और यहाँ पे एक मशहूर चनों की दुकान है जिसका नाम है मजदी चने और पाए। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा, चल। सो चलते हैं अंदर और ट्राई करते हैं मजदी के चने और पाए और करते हैं एक तगड़ा सा नाश्ता। उसके बाद जो है आपको भी बताते हैं कि चने और पाए कैसे हैं, जो भी हम मेन्यू डिसाइड करते हैं और वो खा के कंटिन्यू करते हैं अपना सफ़र टूवर्ड्स पिंडी। सो लेट्स गो हैव सम ब्रेकफास्ट। तो फिर चले। अच्छा जी, आप देख सकते हैं किस वक्त इधर सफर ट्रैफिक जाम हुआ है और वो सामने है मजदी चना हाउस। ठीक है, मजदी बोंग पाए एंड नान शॉप। इधर से करेंगे नाश्ता, चलते हैं अंदर क्योंकि इधर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, धूल मिट्टी हो रही है। लेट्स गो इनसाइड हैव सम लाहौरी चने। ऊपर ही है, ऊपर है जगह है। नीचे तो एज यू कैन सी गाइस ऑल फुल है, सो लेट्स गो अपस्टेयर्स और देखते जगह मिलती है कि नहीं हमें। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। अच्छा जी, फाइनली हमारे यहाँ अंडा चना साथ नान आ चुके। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये हमने चने ऑर्डर किए थे अंडा चना, सो लेट्स हैव सम फूड। ट्राई करते हैं लाहौरी चने मजदी के कैसे हैं और आपको भी बताते हैं कि चनों का टेस्ट कैसा है। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अच्छा जी बॉयज, चने जो है बहुत ही टेस्टी है। अभी खाते हुए मेरा दिल नहीं कर रहा वीडियो बनाने का, तो मैं ज़रा चनों पे हाथ साफ़ कर लूँ। बोतलें भी आ गई हमारी, तो हम ज़रा चनों पे हाथ साफ़ करके आपको मिलते हैं। तो आप इन्जॉय करें टाइम बैच, तो आप इन्जॉय करते हैं चने। सो स्टे विद अस। तो चलिए शुरू करते हैं। अजीब जानवर है, कितना भी खाए फूका ही रहता है। Approximately 10 hours later. अच्छा जी, चने हमने चट कर लिए, थोड़े से बच गए वो इसलिए के नान खत्म हो गए थे, पेट फुल हो गए क्योंकि चने बहुत ही आला और हैवी किस्म के थे। सो बोतलें भी मुका दी हमने, सो बस अब बिल देके चलते हैं टुवर्ड्स पिंडी और चढ़ते हैं रिंग रोड और उसके बाद हम जाएंगे मोटरवे से पिंडी। सो लेट्स एंजॉय अवर जर्नी टू नवर पिंडी और अब तोड़ घर तक रुकेंगे नहीं कहीं खाने के लिए, ना पेरा ना कहीं और। सो लेट्स कंटिन्यू द ब्लॉग। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। सो जी, लास्ट टाइम और लास्ट मोमेंट्स इन लाहौर, टाइम टू से गुड बाय टू लाहौर। और आप भी देख लें ये लाहौर की स्ट्रीट्स का बिजी मंजर फॉर द लास्ट टाइम। तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ। ये रही अपनी लाडो और हम जाएंगे अभी वापस, बैठेंगे गाड़ी के अंदर और कहेंगे अलविदा लाहौर को, बाय। सो लेट्स गेट इनसाइड, गर्मी बहुत है और चलते हैं वापस पिंडी। सो अब आपसे रास्ते में करके रुके तो बात होती है। Years later. अच्छा जी बॉयज, फाइनली वी हैव रीच्ड भेरा स्टेशन, भेरा स्टॉप पहुंचे अभी। चल झूठा। और यहाँ पे रुके हैं कुछ खाने पीने के लिए, कुछ चाय शाय लेंगे, मे बी कोल्ड ड्रिंक, चिप्स वगैरह या बर्गर वगैरह, काफ़ी ब्रांड्स वगैरह नज़र आ रहे हैं। सो हैड अ स्टॉप एट भेरा और चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या सीन पार्टा है। भाई गया वॉशरूम ज़रा पेट हल्का करने, समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो हम भी चलते हैं बाहर और दिखाते हैं आपको भेरा स्टेशन के इधर ब्रांड्स और खाने पीने की चीजें। एंड लेट्स हैव समथिंग टू ईट। ओके। अच्छा जी, एज यू कैन सी वी हैव मैकडोनल्ड्स ओवर हियर। ठीक है, उसके बाद मैकडोनल्ड्स के अलावा वी हैव सॉल्ट एंड पेपर, अमोर, और ये है सिंपली सूफी, वी हैव KFC एज वेल। सो भाई को आने दें और डिसाइड करते हैं कि किधर जाना है और क्या खाना है।
So let's wait for him. 1 hour later. अच्छा जी बॉयज, हमने ली है स्प्राइट की बॉटल क्योंकि हमने सुबह नाश्ता किया था तो अभी कोई खास भूख है नहीं. So, हमने डिसाइड किया कि हल्के फुल्के से कोई रिफ्रेशमेंट हो जाए और बस इतना बहुत है क्यों ना, क्योंकि कोई ख़ास भूख है नहीं. नाश्ता हमने बहुत हैवी किस्म का किया था मछली से, जैसा कि आपको दिखाया था. सो वी हैव ब्रॉट अवर ग्लासेस एज वेल. ग्लास भी हमने ले लिए हैं, बॉटल्स भी ले लिए हैं, चिप्स भी ले लिए हैं रिफ्रेशमेंट के लिए. रह गई है रीफ्यूलिंग, तो हम ज़रा खाबा कर लें और थोड़ा से रिफ्रेश हो जाएं, बोतल शोतल पी लें, तो उसके बाद आपसे फिर बात करते हैं. सही खेल गए बैंच. अच्छा जी, बॉटल तो हमने डाल ली है, ठीक है. देखें कोल्ड ड्रिंक हमने डाली. एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा मैं यहाँ पे, वो ये कि सामने चल रही है शूटिंग और ये स्लोमो बन रहे. सस्ता संजय दत्त जो है इधर शूटिंग कर रहा है, ठीक है. एक उसका करिंदा वहाँ पे खड़ा हुआ है, वो देखें मोबाइल लेके, और ये देखें जी स्लोमो बन रहा. वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या ही बात है, क्या बात है जी. एक्टिंग की बादशाह कसम से, बहुत अच्छी वीडियो बनाई है. सही जिसे को ना, बहुत गुड हो गया जी. तो मैं इन दोनों को बस एक ही बात कहना चाहूंगा, वो ये के चलो मेरे लौड़े थे. सो लेट्स एंजॉय अवर सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, व्हाटएवर यू वांट टू से, ठीक है. छोटा छोटा लगाते हैं, रिफ्यूलिंग कराते हैं और फिर चलते हैं वापस का सफर कंटिन्यू करते हैं. Approximately 10 hours later. अच्छा जी boys, refreshment तो हो गई हमारी और अब time है refueling का. अभी हम डलवा रहे हैं petrol. As you can see, अभी 2500 का petrol डलवाएंगे और petrol डलवाने के बाद continue करते हैं सफर वापस towards पिंडी. निकल लौड़े. अच्छा जी, finally we at Kalar Kahar. Kalar Kahar के पास केवड़ा mine भी है. As you can see, पहाड़ शुरू हो गए इस साइड पे भी, ठीक है. पहाड़ हैं इस साइड पे भी, सामने भी, उधर भी. तो चढ़ाई वाला रास्ता आने वाला है. मैंने कहा उससे पहले आपको बता दूं, इधर बाय द वे जो पता नहीं कोई मुग़ल दौर का कोई शहजादा था या वट एवर जो भी, उसके घोड़ों ने नमक सॉरी पत्थर चाटा था, तो उनको पता चला था यहाँ पे नमक है और भी पता नहीं क्या क्या चाटा होगा. सो अभी मैं लगाने लगा हूँ मोबाइल होल्डर पे और आप इंजॉय करें सीन्स, क्योंकि रास्ता थोड़ा थोड़ा खतरनाक है, चढ़ाई है. तो आप ज़िगज़ैग ज़रा राइड इंजॉय करें और हम ज़रा ड्राइविंग पे फोकस करते हैं. सो इंजॉय Kalar Kahar में. अच्छा जी, फाइनली द ब्यूटीफुल सीन्स एंड द ब्यूटीफुल राइड ऑफ Kalar Kahar इज ओवर. खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया. ये चढ़ाई वाला जो रास्ता, ये अमेरिका टेक्सास की एक झलक है समझ ले. मेरा एक दोस्त वहाँ होता है और मुझे अक्सर वो स्नैप्स भेजता है और उसमें बिल्कुल सेम यही एक्सपेंसिव होती है भाई. सो ब्यूटीफुल राइड एंड सीन्स ऑफ Kalar Kahar. अरे बस कर, रुलाएगा क्या. सो Kalar Kahar से हम आगे आ गए हैं और इंशाल्लाह अब थोड़ा आपसे घर जाके बात होगी. सो उससे पहले नहीं, क्योंकि अब ब्रेक नहीं लगा रही. सो आप इंजॉय करें सीन्स एंड द राइड एंड वी विल सी यू वंस वी गेट बैक होम. चल बोझड़ी के. अच्छा जी बॉयज, फाइनली वी हैव मेड इट टू अवर होम. मुझे जरा बाहर निकलने दे. निकल लौड़े.
सो एज यू कैन सी हम अभी मौजूद हैं लंदन बेकर्स पर, ठीक है, और ये हमारे घर के बिल्कुल पास ही है और हम मौजूद है बैरिया फेज 8 में. सो घर पहुंच गए. सो फाइनली इट्स टाइम टू से गुड बाय. आप लोगों के लिए मेहनत की, वीडियोस बनाई, टूर किया, पैसे खर्चे. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी यहाँ चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना. सो नेक्स्ट वीडियो तक लिए दीजिए इजाज़त. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.